हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे प्रश्न यह है दोस्तों, पर्वत का संबंध लिखा है घाटी, उसी प्रकार से दुश्मन का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, धातु, कांच और बर्तन, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, एकदम अंत तक बने रहिएगा, काफी बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन सब है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कि पर्वत का संबंध यहाँ पर घाटी लिखा है, तो उसी प्रकार से दुश्मन का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये प्रश्न देखिए तो दोनों एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि पर्वत का संबंध यहाँ पर घाटी लिखा है, यानी क्या दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, विलोम शब्द, ये क्या दिया है हम लोगों के सामने, विलोम शब्द का जिक्र यहाँ पर है। पर्वत का विलोम क्या होता है दोस्तों, घाटी, उसी प्रकार से दुश्मन का विलोम क्या हो जाएगा, तो दोस्त हो जाएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी पर्वत का विपरीत क्रम, यानी विलोम शब्द उल्टा क्रम, जो भी बोला जाए तीनों में से, पर्वत का यानी विलोम शब्द घाटी होता है, तो उसी प्रकार से दुश्मन का विलोम क्या हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन, एकदम अंत तक बने रहे, सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस का है, करे चार शब्दों में से एक शब्द वर्ग समूह में है, जिसमें से जिसे अन्य तीन से संबंधित है, वर्ग समूह की पहचान करें, यानी इनमें से एक क्या है दोस्तों अलग है, तो आपको बताते हैं जैसे कि कुर्सी हो गया, फिर हम लोगों के सामने सोफा सेट हो गया, फिर टेबल हो गया, तो ये सभी हम लोगों के सामने किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, यानी फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, इस जगह पर क्या हो जाएगा, अंतर्गत आते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, फर्नीचर हो जाएगा। देखिए कुर्सी हो गया, सोफा सेट हो गया, टेबल हो गया, ये सभी हम लोगों के सामने फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, काफी बार पूछा गया, देखा अलग अलग शिफ्ट में भी रिपीट कर चुका है कि चार शब्दों में से एक वर्ग समूह से जिसे अन्य समूह सदस्य संबंधित है, यानी कि तीन किसी तरीके समान रहेगा, एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, फर्नीचर, क्योंकि कुर्सी हो गया, सोफा सेट हो गया, टेबल, तो ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे, फर्नीचर के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया गया है, तो चलिए एक बार इसको देख लीजिए कि आप कैसे करेंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने आप देखिए बताते हैं कि जैसे थ्री, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, टी लिखा है, उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो थ्री और ए लिखा है, इसी प्रकार से कोमा सिक्स एस लिखा है, कोमा उसी प्रकार से सिक्स और क्या दिया गया है, बी, और कोमा उसी प्रकार से बारह और आर लिखा हुआ है, और यहाँ पर कोमा, उसके बाद 12 और क्या लिखा है दोस्तों, सी लिखा, और आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एक बात तो आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे कि हुआ क्या है, देखिए तीन के बाद अगर देखा जाए तो ऐसे लिया है कि तीन के बाद यहाँ से जाएंगे दोस्तों, तो इस पर गुना दो कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, यानी गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना, तो तीन दुना छः, उसी प्रकार से देखिए छः से अगर इस पर जाएंगे तो गुना क्या कर देंगे दोस्तों, दो कर देंगे तो आपका 12, उसी प्रकार से 12 से यदि इस पर जाएंगे तो आपको इस पर क्या कर देना है दोस्तों, गुना दो कर देना है, तो यहाँ पर तो हम लोगों के सामने 24 आएगा, उसी प्रकार से आप दूसरा वाला भी कर सकते थे, दूसरा वाला से भी क्या आएगा, हम लोगों का 24 आएगा, इस तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हैं, यानी तीन से जाएंगे अल्टरनेट देखा जाए तो तीन से छह, इसी प्रकार से देखिए आप इससे भी करेंगे ना तो भी आपका वही होगा, जैसे कि देखिए तीन से अगर हम लोग ये वाला हिस्सा से मान के चले कि ये वाला में जाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, गुना हम लोगों के सामने दो ही किया है कि तीन दुना छह, उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, ये वाला पे, ये देखिए छः से, यानी यहाँ के बाद हम लोग अगर इस पे चल जाएंगे तो यहाँ भी गुना क्या क्या उसने दो से, तो आगे बढ़ेंगे तो उसी प्रकार से आगे भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 24 ही आएगा, उसमें भी करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आएगा, 24 ही आएगा, तो उस तरीके से करें। अब देखिए 24 तो सभी ऑप्शन में, इससे कोई कन्फ्यूजन है, अब क्या करेंगे, देखिए टी से यदि आप जाएंगे दोस्तों ए पे, अब इसको चेक कर देते हैं, यहाँ देखिए कितना इंपॉर्टेंट इससे संबंधित है,
कि टी से अगर, हाँ इसी तरीके से यहाँ से देखिए टी के बाद क्या हुआ है दोस्तों, एस हुआ है यानी अल्टरनेट सीरीज चला है, टी के बाद एस पे जाना है इस पे, तो यहाँ पर माइनस क्या क्या उसने एक घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए एस से यदि आप आर पे जाएंगे तो यहाँ पे उसने क्या घटा दिया दोस्तों, एक घटा दिया, इस जगह पर क्या घटा दिया, एक घटा दिया। उसी प्रकार से आर में एक हम लोगों का घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो आर में जैसे ही एक घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू आ जाएगा, जो कि हम लोगों का आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, 24 और क्यू आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला सर समझ लीजिए। उसी प्रकार से अब इस पे भी कर सकते हैं, देखिए अल्टरनेट यानी मेथड चला है यहां पर कितना, जैसे अब देखिए ए से बी पे चलेंगे तो इस पे भी ए से बी पे जाएंगे तो वहीं पर अब की बार क्या क्या है, प्लस वन क्या है। उसी प्रकार से देखिए बी के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा यानी प्लस वन हो जाएगा, तो आगे सीरीज रहता तो हम लोगों का आगे बढ़ जाते यानी सी के बाद भी, लेकिन यहीं तक आगे तक ही रखा हम लोगों के सामने 24 और क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। कैसे आएगा तो आपके सामने रखे हैं पूरा का प्यूरा ब्यूरा रख दिए हैं कि किस तरीके से हमने आंसर को किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आंसर क्या आ जाएगा, 24 और क्यू आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि विषम की पहचान करें, तो विषम का मतलब चार में से तीन समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए जैसे इस तरीके से दिया है, इसमें इस तरीके से, इसमें तो इसमें आपको एक तरीके से देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है, आपको एक बात पहले से पता है कि ए से लेकर जो हम लोगों के सामने जेड तक में होता है 26 लीटर होता है, तो ए का एक होता है, बी का क्या होता है, दो होता है, सी का तीन, इसी प्रकार से सबका होता है। तो यहाँ भी वही बात बताया उसने, देखिए एम के लिए क्या लिख दिया है, 10 लिख दिया, बल्कि होना चाहिए क्या दोस्तों, एम का पता है कि 13 होता है, एम का जो कोड होता है एबीसीडी में हम लोगों के सामने 13 होता है, बाकी सभी का सही है। देखिए टी का कोड 20 होता है, ये बात सही है, ई का कोड 5 होता है, ये भी सही है, जेड का 26 क्योंकि टोटल 26 लेटर होता है, जेड आखिरी में 26, तो ये बात सही है। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला ही क्या हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि एम का 10 नहीं होता है, यहां पर जो 10 लिखा है 10 नहीं होगा, एम का क्या होता है दोस्तों, 13 होता है, इसीलिए विषम क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष वाला, करे कि कुछ कीबोर्ड जो है पियानो है, तो चलिए बना लेते हैं कुछ की और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने बोर्ड, तो इस प्रकार से हमने बना लिया कुछ, पूरे के पूरे लिख लेते हैं कुछ कीबोर्ड पियानो है, तो इस जगह पर हम लोग पियानो कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि कैसे कर रहे हैं, वरना क्या हो जाएगा कन्फ्यूजन, पियानो है। उसके बाद लिखा है कि सभी पियानो क्या है, केसियो है, तो सभी पियानो को हम लोग क्या कर लेते हैं, केसियो कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, केसियो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, डायग्राम बन गया। अब कह रहा है कि सभी केसियो पियानो है, क्या सबटो केसियो जो है वो क्या कह रहा है कि सभी केसियो जो है पियानो है, क्या सबटो ई केसियो पियानो के अंदर में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। केसियो का तो बहुत बड़ा डायग्राम, पियानो का बहुत छोटा है, देखिए ना पियानो का कितना छोटा गोला, वो केसियो उसके अंदर में कैसे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि कुछ कीबोर्ड जो है केसियो है, तो कुछ कीबोर्ड जो है केसियो, हाँ तो ये बात सही हो जाएगा, कुछ कीबोर्ड का हिस्सा ही इसमें गया है केसियो में, तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल सही कर रहा है। तो केवल दो सही होगा, इस प्रश्न का आंसर ए में दिया गया है, यानी केवल हम लोगों का दो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन कुछ पियानो जो है हम लोगों का कह रहा है कि इसमें दिया है निष्कर्ष में कि कुछ कीबोर्ड जो है केसियो है, तो कुछ कीबोर्ड का हिस्सा हम लोगों का केसियो में गया है, लेकिन यहां पर जो डार्क कर रहे हैं कुछ केसियो का हिस्सा कीबोर्ड में गया हुआ है, तो इसीलिए केवल दो सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, छठा नंबर क्वेश्चन दिया करें कि अगली आकृति का चयन करें, तो अगली आकृति इसमें से बताना है कि इस जगह पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए यहां पर भी सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए वैसे तो आप आराम से कर लेंगे, कैसे कर लेंगे देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों के सामने इसको 90 डिग्री, अगर हाँ 90 डिग्री क्या कर दिया जाए दोस्तों, घड़ी की दिशा में घुमा दिया जाए, 90 डिग्री यहाँ पर लिख देते हैं, 90 डिग्री घड़ी यहाँ पर लिख देते हैं, घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, घुमा रहा है, बस इतना सा ही बात आपको समझना है कि 90 डिग्री जो है घड़ी की सुई की दिशा में घुमा रहा है,
तो जैसे ही घुमा रहा है तो अब ईद क्या आपका हो जाएगा कि यहाँ से जैसे कि इसको घुमा घुमा दिया 90 डिग्री, जैसे ईद था तो ईद के सीधा हो गया, क्योंकि यहाँ फिगर यहाँ था तो इस जगह से इस बार क्या किया दोस्तों, इस तरीके से 90 डिग्री घुमाया। उसी प्रकार से फिर हम लोगों के सामने ईद के इसको क्या क्या है 90 डिग्री, यानी कि यहाँ यहाँ था तो इस जगह था, तो इस जगह था तो इस बार क्या क्या दोस्तों यहाँ पर क्या, उसी प्रकार से इस बार देखिए हम लोगों के सामने क्या क्या इस जगह पर क्या, तो आगे जो फिगर आएगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, त्रिभुज नीचे जाएगा, तो त्रिभुज इस तरीके से हम लोगों का हो जाएगा। अब स्टार को देखिए, स्टार जैसा है स्टार यहाँ पे था, उसके बाद स्टार को इस साइड, फिर यानी कि अगर देखा जाए इस प्रकार से स्टार को, तो फिगर एक बार अगर फिगर के जैसे कि ई साइड में है तो उसको ई साइड में ले गया, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर देखा जाए स्टार को क्या कर रहा है, स्टार जैसे का जहाँ पर है तो वहीं पर रह गया, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन, अब स्टार में आपको कन्फ्यूजन होगा कि स्टार को सर हम लोग किधर कर दें, तो देखिए अगर ऐसे करेंगे ना तो आपको क्या हो सकता है दोस्तों, कन्फ्यूजन हो जाएगा। मान के चलिए कि स्टार तो यहाँ था, स्टार को घुमा के वहाँ ले गया, ठीक है, फिर हम लोगों के सामने स्टार देखिए उसी जगह इसी जगह 90 डिग्री अगर घड़ी की सुई का दिशा में घुमाएंगे ना, तो इस तरीके से फिगर तो निकल जाएगा लेकिन फिगर आ जाएगा डी, और हम लोगों का बी में कन्फ्यूजन होने लगेगा कि सर स्टार कौन साइड में रख दिया जाए, कि इधर रखें उधर। तो अब इसका भी एक उपाय बताते हैं क्या क्या, यहाँ से आप क्या कर लीजिए दोस्तों, अल्टरनेट सिर चला ली, इसका संबंध इस तरीके से यानी कि 180 डिग्री घुमा दिया, क्या क्या 180 डिग्री, और स्टार जहाँ पर है वहीं पर रह गया, तो उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों 180 डिग्री, यानी ये वाला जो फिगर अल्टरनेट जो चलाएंगे ये वाला 180 डिग्री घुमा देंगे, तो फिगर तो हम लोगों के सामने नीचे हो जाएगा और स्टार जहां का जहां रह गया, यानी स्टार हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में रह जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 180 डिग्री यानी अल्टरनेट घुमाना है, 180 डिग्री घुमा रहा है, यानी उस तरीके से ले रहे थे नहीं हो रहा था क्योंकि स्टार में कंफ्यूजन हो जा रहा था, तो इस तरीके से अगर अल्टरनेट लिए एक छोड़कर एक जहां पर स्टार है वहीं पर रह जाएगा। देखिए हम लोगों का जिस तरीके से हम एरो का निशान दिया कि पहला छोड़कर डायरेक्ट तीसरा और दूसरा का संबंध चौथे पे जाएंगे, तो पहला और तीसरा हम जहां स्टार वहीं पर, तो चौथा हम भी स्टार वहीं पर रह जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 180 डिग्री घुमा रहा है अल्टरनेट पे, यानी एक का आकृति का संबंध दूसरे से, तो आप ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारा स्टूडेंट का बी आ जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा, तो हम पहले ही बता दिए कि डी आएगा, डी आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों की, देखिए एक दो क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम से लिए हैं, क्योंकि वो सब क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस शिफ्ट में भी देखें कि रिपीट किया हुआ है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। करे यदि पिंजरे को जो है रॉकेट कहा जाता है, और रॉकेट को हम लोगों का जाल कहा जाता है, और जाल को ग्रह कहा जाता है, और ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है, हवाई जहाज को साइकिल कहा जाता है, और साइकिल को कार कहा जाता है, तो पृथ्वी क्या है? तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा है कि पृथ्वी क्या है, तो आपको एक बात पता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, ग्रह है। पृथ्वी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी को ग्रह, और ग्रह को क्या कहा गया दोस्तों, कह रहा है कि जाल को ग्रह, और ग्रह को हवाई जहाज किया गया, यानी ग्रह का, ग्रह को उसने क्या कहा, देखिए ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ग्रह नहीं होके, यानी कि पृथ्वी क्या है दोस्तों, तो ग्रह नहीं करना, ग्रह करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, बल्कि इसके बदले क्या हो जाएंगे, पृथ्वी के बदले, यानी कि पृथ्वी को ग्रह बदले क्या हो जाएंगे, हवाई जहाज हो जाएंगे। इसमें काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस प्रश्न को हमने शामिल किया, हवाई जहाज हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? देखिए पृथ्वी एक ग्रह है, और ग्रह के लिए वहां पर कोड उसने क्या प्रयोग किया है, ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है, तो ग्रह नहीं होके यहाँ पर ग्रह करेंगे तो आपका सरासर गलत होगा, बल्कि ग्रह का तो कोड हवाई जहाज किया गया, इसीलिए क्या कर देंगे दोस्तों, हवाई जहाज कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल पूछा गया था, तो देख लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे जी यहाँ पर आई हो जाएगा, एन हो जाएगा, और क्या लिखा है दोस्तों, एक्स, इसी का कोड क्या क्या दिया है, 5 लिखा है, 8 लिखा है, 6 लिखा है, 2 लिखा है। इसी प्रकार से जैसे इसका कोड दिया है जेड ई, फिर हम लोगों के सामने बी और यू, तो इसका कोड उसने क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है 4,
7 और क्या लिखा है, 1 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने F हो जाएगा, U हो जाएगा, फिर Z हो जाएगा और E हो जाएगा। तो इसका कोड देख लिया जाए यहाँ पर 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर इसका कोड क्या होगा, UNIX का कोड आपसे पूछा गया, तो देख रहे हैं किस किस तरीके के पूछे गए। तो बताते हैं कि क्या हुआ, यू के लिए कोड देखिए क्या प्रयोग किया, उसने 1 प्रयोग किया है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। एन के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, तो देखा जाए एन एन हम लोगों के सामने एन के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से आई के लिए देखा जाए तो आई कहां पर हम लोगों के सामने, इधर आई के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, तो यहां पर 8 कर दे। उसी प्रकार से एक्स, तो एक्स के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, 2 प्रयोग किया है तो यहां पर 2 हो जाएगा। तो 16 और 82 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस कोड को देखना है कि इसका कोड क्या लिखा है, इसका कोड यहां पर दिया गया है, इसका कोड इस तरीके से दिया है, इसका कोड निकालना है। तो वही छांट छांट के हम लोग लिख दिए कि यू के लिए क्या है, एन के लिए क्या है, आई के लिए क्या है, एक्स के लिए क्या है। तो आंसर क्या हो गया, 16 82। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, आपको पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको संकेत को लिख लीजिए, जैसे कि क्योंकि इसी में आपको कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि एंड का सिंबल दिया गया, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए इस तरीके से उसने एंड का हम लोगों के सामने क्या दिया दोस्तों, प्लस दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार से इसका डॉलर को, अच्छा डॉलर दिया ना, तो डॉलर को इस तरीके से लेते हैं यहाँ पर और इस तरीके से ले लेते हैं, हाँ। तो डॉलर का सिंबल क्या दिया है, माइनस दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार से हज को उसने कहा है कि हज के लिए क्या प्रयोग करना है, तो भाग प्रयोग करना। उसी प्रकार से प्रतिशत के बदले क्या प्रयोग करना है दोस्तों, गुना करना। बस अब जो इक्वेशन दिया उसी को उठाइए और सॉल्व करें, 9, तो 9 और प्रतिशत के बदले उसने कहा है गुना लेने के लिए। उसके बाद 3 एंड का और दिया गया है प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 22। उसके बाद देखिए डॉलर, तो डॉलर का संबंध दिया गया माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 52। फिर से एंड आया है तो एंड का जगह पर प्लस हो जाएगा, 85 हो जाएगा। और हज का संबंध लिखा है भाग, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 17 कर देना, इस जगह पर क्या हो जाएंगे, 17। तो ये सब बात इधर हम लोगों का अलग साइड में रहा, यहाँ पर इसको भाग कर देना है, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम होगा यहाँ पर, अच्छा इसको ले लेते हैं 9 3 27, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से क्योंकि वैसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, सिंप्लीफिकेशन का अगर रूल पूरा लगा के करेंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि समय लगेगा, होगा आंसर वही यहाँ पर 52 का 52, लेकिन उस तरीके से नहीं करना जिस तरीके से हम बता रहे हैं। ऐसे 85 में 17 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो ठीक है। अब जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, 7 2 9 और 2 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 हो जाएगा। और इधर माइनस क्या करना है, 52 करना है, और प्लस क्या करना है दोस्तों, 5 करना है। तो पहले प्लस 5 को ले लीजिए, तब ना जाके होगा कि 49 और 5 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अरे 49 और 5 को जोड़ेंगे तो 54, और 54 में क्या कर लीजिए दोस्तों, 52 को घटा दीजिए। जैसे ही 52 को घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 54 में 52 घटेगा तो आपका 2 आ जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो देख लीजिए तरीका क्या है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, देखिए ये सब क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस सबको इंक्लूड किया है, क्योंकि इस सबको बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देते हैं, इसीलिए आप समझ लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। कर अनिता की माँ का भाई जो है, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अनिता लिख लेना है, हमने यहाँ पर लिख लिया अनिता, ठीक है, यानी अनिता की माँ। तो अनिता की क्या कर लिए दोस्तों, माँ कर लेते हैं, इस जगह पर हो जाएगा माँ। तो अनिता की माँ का भाई, यानी भाई बीना, यानी अनिता के माँ का भाई क्या है दोस्तों, यानी कि अनिता के माँ का जो भाई है, तो मान लेते हैं भाई, इस जगह पर बना लेते हैं क्या है हम लोगों के सामने भाई, ठीक है। उसने कहा कि अनिता के माँ का भाई करे बीना के पिता। अब देखिए बीना के पिता का बेटा है, अच्छा। तो अगर मान के चले कि इस जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, बीना लिखते हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको रखें, बीना के क्या हो जाएंगे दोस्तों, पिता हो जाएंगे, तो ठीक है, बीना के पिता। और पिता यहाँ पर लिखा है कि बीना, यानी भाई बीना, भाई जो है बीना के पिता, यानी इसके भी क्या होना चाहिए दोस्तों, पिता होना चाहिए, यानी पिता का बेटा है, यानी इसका क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये बेटा हो जाएगा, तो ठीक है, ये बेटा कर दिए। और बीना के दादा, यानी कि हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, बीना के दादा, ठीक है, बीना के दादा के 2 बेटे हैं, तो ठीक है, 2 बेटा हो गया, एक देखिए इधर आ गया, यानी भाई, और एक इधर इसका हो जा रहा है पिता, ठीक है। और एक बेटी भी है, यानी एक क्या है दोस्तों, बेटी भी है, तो इसका अर्थ यही इसका क्या हो गया दोस्तों, बेटी हो गया, यानी यही क्या हो गया, यानी बीना के दादा के जो है
तीन यानी कि दो बेटा है और एक बेटी है, तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि अनीता की जो माँ है, तो अनीता की जो माँ है वो बीना का कौन लगेगा, तो इसका पिता हो गया, और पिता का जो बहन लगेगा तो कौन हो जाएगा दोस्तों, बुआ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बड़ा कंफ्यूजन होगा इसीलिए हमने क्लियर कर दिया यहाँ पर कि कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सब चीज देख लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन छोड़ देते हैं बहुत सारे कि सर ये ब्लड रिलेशन हमसे नहीं हो पाएगा, समय लग जाएगा, तो सीख लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, चाहे वो कांस्टेबल रहे, चाहे वो एनटीपीसी रहे, चाहे वो जेरे, क्योंकि पूछेगा ही पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। यानी इसका संबंध पूछा गया, कह रहे कि बीना का यानी कि अनिता का माँ कौन लगेगा, तो ये कौन लग जाएगा, पिता का जो बहन होगा, तो ये दोनों तो भाई हो गया, इसका ही बहन हो गया, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, बुआ होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कैसे स्किप कर देगा देखते हैं। कह रहा है कि श्री जैड पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं, वे बाएं, और पूछा गया क्वेश्चन है एलपी टेक्निशियन का कि श्री जैड पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं और वे बाएं मुड़ते हैं, तो सबसे पहले तो एक बात आपको क्लियर करेंगे क्या कि ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा लिखेंगे ना, ये हो गया पश्चिम, और इसके जस्ट अपोजिट में इस जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों, पूर्व करना है, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर आपको उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या करना है दोस्तों, दक्षिण करना है। क्योंकि देखिए प्रश्न थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन उतना भी लंबा नहीं कि आप नहीं कर सकते। ऊपर में उत्तर ले लिए और इधर हो गया, और ये हो गया हम लोगों का पूर्व का डायरेक्शन, ये हो गया अपोजिट में पश्चिम का। तो कह रहा है श्री जैड पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं, तो ठीक है अगर मान के चले कि जेड इस जगह से पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं, ठीक है, तो मुंह किए हुए खड़े, तो और वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ा, यानी यहाँ से क्या किया दोस्तों, बाईं ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चल दिया, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा, पूर्व की ओर मुंह किए थे, उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला और बिंदु ए पर पहुँच जाता है। मान के चलिए इस बिंदु को हमने ए नाम दे दिया, बिंदु ए पर पहुँच जाते, फिर वहाँ से वो बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो देख रहे हैं कि इधर चलाएंगे तो फिर इधर तो हम लोगों का अच्छा ले लेते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, रुक जाइए यहाँ से लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना, थोड़ा इधर से लेते हैं यानी कि इस तरीके से, और यहाँ से हम लोगों का इतना दूर क्या ले लेते हैं दोस्तों, आप 5 किलोमीटर ले लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का 5 किलोमीटर। देखिए उसने कहा है श्री जैड पूर्व की ओर मुख, अभी तो सिर्फ मुंह किए हुए, वो कितना दूर चला था उससे मतलब नहीं, वो बाईं ओर मुड़े और 5 किलोमीटर चला और बिंदु ए पर पहुंच जाता, तो इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे हम लोग, ए दे देंगे। इस बिंदु का नाम क्या है दोस्तों, ए है, ए पर पहुँचा है, बिंदु ए पर पहुंच जाता है, फिर वहां से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहां से बाईं ओर मुड़ेगा तो ये बिंदु जो हो जाएगा 5 को जो है ना यहाँ पे लिखेंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि सर आपने 5 किसका लिखा था, हमने 5 को मिटा के यहाँ पर कर दिया और 4 को हम यहाँ पर कर देंगे और बिंदु बी पर पहुँचा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है कि हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, बिंदु बी पर पहुँचता, फिर से वहाँ पर दाईं ओर मुड़ा, तो अब देखिए दाईं ओर इधर जाने, तो दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चलेगा, तो देखिए दाईं ओर मुड़ेगा, यानी ये हो गया हम लोगों का 3 किलोमीटर और सी पर पहुँच गया, तो इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे, सी पर पहुँच जाता है। फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ता और 10 किलोमीटर फिर दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से यहाँ पर मुड़ा दाईं ओर और ये 10 किलोमीटर चला है और बिंदु डी पर क्या हुआ, पहुँच गया। उसने कहा कि बिंदु डी पर पहुँच गया, ये देखिए ना 10 किलोमीटर बिंदु डी पर, तो कह रहा है बिंदु डी अब श्री जेड किस दिशा की ओर जा रहा है, तो बिंदु डी पर, ये देखिए बिंदु क्या पूछा है दोस्तों, डी पर जो है श्री जेड किस दिशा की ओर है, तो बिंदु डी पर जो है श्री जेड, यानी जेड तो यहीं से स्टार्टिंग किया था, यहाँ से गया फिर इधर से गया, तो बिंदु डी पर जेड किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। तो कितना इंपॉर्टेंट था सवाल देख रहे हैं, और देखते ही स्किप कर देते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन कि बड़ा लंबा है हमसे नहीं हो पाएगा, तो समझ लीजिए कि ऐसे आंसर होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कह रहा है कि धातु है, कांच है, बर्तन, इस पे भी कंफ्यूजन बना हुआ है बहुत सारा स्टूडेंट का कि सर इसका आंसर ए करें, बी करें, सी करें, डी करें, कौन सा करें, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होना तय है। अब हम बताते हैं यहाँ पर, देखिए जो पूछा गया क्वेश्चन था और जो आंसर दिया था इसको इस तरीके से दिया था, कैसे कि कुछ बर्तन, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, कुछ बर्तन हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, तो कांच का हो जाएगा, कुछ बर्तन क्या हो जाएंगे, कांच का हो जाएगा, तो इस तरीके से करेंगे, और कुछ बर्तन क्या हो जाएंगे दोस्तों, धातु का हो जाएगा, तो इस जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, धातु कर देंगे। तो इस प्रश्न का जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का डी आएगा आंसर, जो सरासर गलत कर देंगे, वो क्या कर देते हैं कि कांच
को भी धातु के अंतर्गत ले जाते हैं, तो सरासर गलत होगा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस का क्वेश्चन है और टीसीएस ने जो आंसर दिया है इसको इस तरीके से कि कुछ बर्तन क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे, और कुछ हम लोगों का यानी बर्तन किसका बनेंगे दोस्तों, यानी कुछ बर्तन धातु का बनेगा, कुछ बर्तन हम लोगों का कांच का भी देखते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे, ए सही होगा और ए को ही दिया गया था आंसर। अगला प्रश्न का जाए 13 नंबर क्वेश्चन दिया कर है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि आपको घुमाना नहीं है। तो जैसा फिगर दिख रहा है, ए में देखना है, बी में देखना है, सी में देखना है, डी में देखना है, कहाँ पर दिख रहा है वही लॉजिक आपको लगाना है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। तो जैसे ही देखिए यहाँ से देखेंगे तो क्या हम लोगों के सामने ऐसा दिख रहा है क्या, यानी इस तरीके से लेंगे तो देखते हैं कि कहाँ पर, हाँ यहाँ पर जिक्र किया जाए तो बिल्कुल हो जाएगा, ए में तो कहीं दिखेगा नहीं, ए में कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन बी में जैसे ही देखने का यहाँ से ले जाइए और यहाँ से ले जाइए और फिर यहाँ से ले जाइए और इस जगह से इस तरीके से कर दीजिए, तो देखिए बिल्कुल हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखते ही आंसर आप कर लेंगे, बशर्ते आपको समझना होगा, थोड़ा देखना होगा कि क्या लॉजिक है और किस तरीके से हम लोग आंसर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष बुलाए, क्योंकि आपको पता है कि कथन निष्कर्ष रहे या तर्क पूर्वधारणा हर तरीके क्वेश्चन हमने करवाते जा रहे हैं, इसीलिए आप ध्यान से देखिए। फिल्म के प्रमोशन के दौरान कह रहा है कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माता टीम मीडिया के सामने फिल्म के हाईलाइट को पेश करता है, तो सही कह रहा है, यानी कि कुछ ऐसे हाईलाइट चीज़ होता है उसको पेश करते हैं मीडिया के सामने ताकि लोग क्या करें, फिल्म को जाके देखें कि क्या क्या फिल्म में है। तो कह रहा है निर्माता टीम इस बात को लेकर उत्सुक है कि मीडिया को फिल्म के बारे में हम लोगों को बताया जाना चाहिए ताकि वह सही प्रचार कर सके, ये बात बिल्कुल सही कर, इसीलिए तो हाईलाइट पार्ट दिखाता है, लेकिन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेलर बोलते हैं, तो हाईलाइट पार्ट को ही दिखाया जाता है। उसके बाद फिर लिखा है कि निर्माता टीम उम्मीद करती है कि फिल्म सफल हो, हाँ तो ये भी बात है, इसीलिए तो हाईलाइट पार्ट को पेश करते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म क्या हो, सफल हो, ऐसा नहीं कि कह रहा है कि उम्मीद करती है, यानी उम्मीद कर रहा है कि सफल हो, ऐसा नहीं कि उम्मीद क्या ही क्या है, उम्मीद करती है कि फिल्म क्या हो, सफल हो, तो दोनों बात सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, समझ गए होंगे कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न को आप कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए पार्ट वाइज कराते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकदम 30 क्वेश्चन पर, देखिए जितना भी क्वेश्चन हम लेते जा रहे हैं एकदम ध्यान से करते हुए चलिए, सारे पार्ट को देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि देखिए प्रश्न को सॉल्व करना और बताना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए थोड़ा कम ही क्वेश्चन, लेकिन उतना भी कम नहीं, हम तो लगभग 17-18 क्वेश्चन ले ही लेते हैं, अब जैसे 7 क्वेश्चन बचा था अगले पार्ट में नेक्स्ट करके उसको बताते हुए चलते जा रहे हैं, तो इस तरीके से आप सारे पार्ट को जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, ये देखिए फिर किस तरीके से पूछा गया सवाल था कि श्याम बिंदु ए से शुरू करता और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, तो मान के चले कि ए से शुरू कर और फिर हम लोगों का दाई ओर मुड़ता और 5 किलोमीटर चलता है, तो मान के चले कि अभी आपको बता चुके हैं कि ऊपर में इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, और नीचे हमने जिक्र कर दिया कि यहाँ पर आपको क्या लेना है, दक्षिण लेना है, तो इस बात को आपको मेंशन किया है, और ई साइड में आपका क्या हो जाएंगे, पश्चिम हो जाएंगे, तो पश्चिम उतना बड़ा नहीं, बस छोटा सा, और इस जगह पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, पूर्व हो जाएंगे, तो ये आपका हुआ डायरेक्शन, यानी कि दिशा, कि पूरब किधर होता है, यानी उत्तर ऊपर में, नीचे पश्चिम, ये हो गया पूरब और ये क्या हो गया पश्चिम। अब जैसा जैसा उसने कहा वैसे से चलेंगे, श्याम ए से शुरू करता है और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है फिर बाएं ओर, तो मान के चलिए ए से शुरू किया, इस जगह पर ले लेते हैं और इस जगह से इतना दूर तक ले लेते हैं, एक अनुमानिक दूरी, ये नहीं कि यहां पर स्केल लेकर बैठेंगे और करेंगे तो समय लग जाए, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, फिर हम लोगों का दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो मान के चलिए कि इतना सा दूरी को हम लोग 5 किलोमीटर ले लिए, दाईं ओर मुड़ता है और क्या बोला 5 किलोमीटर चलता है, तो इसको हम लोग 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर हम लोगों के सामने कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता और 20 किलोमीटर चलता है, देखिए दाईं ओर मुड़ेगा और 20 किलोमीटर, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक दूरी हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों, 20 किलोमीटर, देखिए एकदम कम जगह पर ही कर देंगे, ए से शुरू किया है 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर हम लोगों के सामने दाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर से वो दाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, फिर से वो कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ेगा और 10 किलोमीटर, इस बार यहाँ से चलेगा तो 10 किलोमीटर मान के चलेगी, अनुमानिक दूरी एक ले लेते हैं, यानी कि 10 किलोमीटर, इतना सा अनुमानिक दूरी हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों,
रुक जाइए, ए को क्या कर लेते हैं, थोड़ा ए को उधर कर देते हैं, ए को यहाँ से हटा देते हैं ताकि अभी लिख देंगे ए, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे, ए को मान के चलिए कि यहाँ पर लिख देते हैं और हम लोगों के सामने 10 किलोमीटर यहाँ तक कर दें। उसने कहा कि दाईं ओर मुड़ा है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता और अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो मान के चलिए कि यहाँ 20 किलोमीटर है, तो इतना सा दूरी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 किलोमीटर, क्योंकि उसने कहा कि दाईं ओर मुड़ा है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर चल ड्राइव करता और पी पर रुक जाता है। अब यहाँ पर ये हो गया पी पर रुक गया, ठीक है, पी पर रुक जाता है, देखिए ना कहाँ है कि एक बिंदु सीधा पी पर क्या हो जाता है। अब ए पर पहुँचने के लिए उसे कितना दूर और किस दिशा में ड्राइव करना, तो ए पर अब हमको पहुँचना है, देखिए यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, ए पर पहुँचना है, इतना सा दूरी पहुँचना है, तो टोटल देखिए यहाँ पर 5 है और ये टोटल दूरी हम लोगों के सामने 10 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ये वाला दूरी आपका 5 ही होगा और 5 किलोमीटर किधर चलेगा, तो पूर्व की ओर चलेगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। कितना इंपॉर्टेंट सवाल था और कैसे हमने कर दिया, छोटे से जगह में, एकदम कम जगह में, और ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में, 5 किलोमीटर क्या आएगा, पूर्व आएगा आंसर, अरे टोटल 10 है तो 5 है, 5 किलोमीटर क्या होगा, पूर्व आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रश्न और तर्क वाला, कह रहा है क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अनुमति होने चाहिए, तो ये आपसे पूछ रहा है, एक प्रश्न दिया है कि क्या परीक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी मोबाइल हो गया, हम लोगों के सामने लैपटॉप हो गया, तो ये सबको ले जाना अनुमति देना चाहिए, तो कह रहा नहीं, परीक्षा में उनकी नकल करना आसान हो जाएगा, तो ये बात सही कह रहा है। आपको देखते हैं कि कोई भी परीक्षा होता है तो उसमें क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या है दोस्तों, वर्जित है, यानी वहाँ पर नहीं ले जा सकते, कर फिर दिया हाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण महंगे हैं और उन्हें परीक्षा हॉल में बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है, ये हम नहीं कह सकते छोड़ना बाहर, क्योंकि आपको कितनों भी महंगा है कुछ भी है उससे उसको मतलब नहीं, यानी परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं देगा, तो ये आप जानते हैं कि एक हम लोगों का दैनिक जीवन का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सही होगा, केवल एक होगा, यानी परवल क्या, यानी कह रहा है कि केवल तर्क एक क्या है दोस्तों, परवल यानी कि मजबूत है, केवल एक ही मजबूत है, दूसरा मजबूत नहीं है, इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रिपीट करता है, एक कोडिंग डिकोडिंग में ही है और आप कोई सा भी बुक लेंगे तो आपको जरूर इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो चलिए अब हम इसको करते हैं कि कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है ही, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम हड़बड़ी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि करना तो है ही और सीखना है। ही विल, और यहाँ पर हो जाएगा गो, फिर लिखा है दोस्तों बैक, तो हमने कर दिया। इसका कोड उसने क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है सी ए, फिर हम लोगों के सामने के आई, फिर लिखा है जे ए, ठीक है, उसी प्रकार से क्या लिखा है दोस्तों वी ओ, ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। तो देखिए थोड़ा फोल पोल लिखना है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फोल पोल तो है, हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। अब फिर लिखा आई, यहाँ पर अब इसका कोड देखा जाए, आई फिर लिखा है गो, फिर लिखा है टू, तो आई गो उसके बाद टू ऑफिस, यहाँ पर कर लेते हैं ऑफिस, ठीक है। इसका कोड देखिए क्या लिखा है, तो उसने कह रहा है इसका कोड हमने लिखा है टी, यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से कर देना, उसके बाद डी एफ, तो ठीक है डी एफ कर दिए, फिर जे और हम लोगों के सामने ए हो जाएगा, फिर लिखा है एम और क्या लिखा है दोस्तों आई लिखा हुआ, ठीक है। अब फिर से इसका आया है यानी कि ऑफिस, तो ले लेते हैं, यहाँ पर कर लिया ऑफिस, उसके बाद लिखा है टू होम, ठीक है, इतना ही दें टू और होम, हम यहाँ तक है। अब इसका कोड देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है ही, उसके बाद कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि हू ही, उसके बाद लिखा है टी ए, उसके बाद लिखा है डी और क्या लिखा है दोस्तों एफ। अब कुछ ना, अब आपसे देखिए गो के लिए आप पूछा गया है, बैक के लिए पूछा गया, होम के लिए पूछा है, तो आप ऐसे कर लीजिए ना कि गो जैसे देख रहे हैं तो इसमें यहाँ पर गो मिल रहा है और यहाँ भी हम लोगों के सामने गो मिल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो टी ए सी ए नहीं, उसी प्रकार से के आई, तो जे ए जे ए, ये देखिए यहाँ पर जे और ए और यहाँ पर भी जे, इन्हीं दोनों में देखना है, इन्हीं दोनों में देखना, और कुछ कॉमन है क्या, टी ए है नहीं, भी ओ नहीं है, तो ये हो गया हम लोगों का गो के लिए। उसी प्रकार से बैक के लिए कोड लेना है, तो देख लेते हैं कि बैक हम लोगों के सामने यहाँ पर है, तो पहले और देखते हैं ना कि कॉमन क्या क्या मिला, जैसे एक ऑफ, अच्छा तो इसमें जैसे बैक है तो बैक के लिए, तो वहाँ से हम लोग जैसे कॉमन कैसे निकालेंगे, तो नहीं निकल पाएगा, ये मान के चलिए कि ऑफिस का ले लेते हैं, वैसे तो हम लोगों का एक हो गया कि जा, यानी कि अच्छा गो के लिए कोड देखा जाए, गो बैक को कैसे लिखा जाएगा, तो गो बैक को
यहाँ से लेते हैं, जैसे एक ऑफिस आ गया, रुक जाइए यहाँ पर, जैसे ऑफिस है, अच्छा यहाँ पर इधर दो चीज कॉमन आ गया, डायरेक्ट ले लीजिए कि टू ऑफिस, इधर टू ऑफिस इसमें भी आ गया तो डायरेक्ट ले लीजिए ना। और उसी प्रकार से ऑफिस टू क्या है दोस्तों, इसमें भी है ऑफिस टू क्या है, इसको अलग अति से करेंगे ना ताकि बढ़िया रहेगा। यहाँ पर देखिए टू ऑफिस है ना, इसमें भी टू ऑफिस आ गया कॉमन, और इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए टू ऑफिस है, यानी ऑफिस टू है या टू ऑफिस, तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा जाएगा हम लोगों के सामने, तो दो चीज कॉमन लेना होगा, यानी कि जैसे कि एम आई तो डी एफ और देखिए हाँ डी एफ और टी ए, यहाँ पर भी कॉमन हो गया डी एफ टी ए, उसी प्रकार से डी एफ टी ए क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ भी हम लोगों का कॉमन हो गया, तो हो गया। अब हम लोगों के सामने जो जो होम के लिए कोड क्या बचा था, ही बचा, यानी होम के लिए, होम गो के लिए तो हम लोगों का निकल चुका है, गो के लिए कोड क्या निकाले हैं दोस्तों हम लोगों का, यानी कि जी ए निकाल दिए हैं, ठीक है। बैक के लिए पूछा गया है तो बैक का कोड यहां से निकालना होगा, जैसे कि तो बैक का कोड हम लोग लेंगे, रुक जाइए हम लोगों का इसका कोड पहले, होम का कोड तो निकाल लिया, होम का कोड क्या हो जाएंगे दोस्तों, ही हो जाएगा, होम का कोड हमने क्लियर कर दिया कि क्या आएगा, ही आएगा, क्योंकि यहाँ से कॉमन लिए तो होम के लिए तो ही होगा। तो देखिए इधर उधर करके लग रहा है कि उसने क्या कर दिया, इधर उधर करके लिखा है, तो जा आना चाहिए, तो जा आना चाहिए, फिर ही आना चाहिए। अब बचा है एक हम लोगों का, क्या बचा हुआ है, बैक, तो बैक का कोड क्या लेंगे, तो बैक का कोड ले लेते हैं, तो इधर तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो बैक का कोड देखिए आपको ये दोनों तो जा और ही तो आना चाहिए, तो जा इसमें और ही तो इसमें है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, उसी प्रकार से ही इसमें भी नहीं है, ही इसमें, तो यही वाला हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, देखिए छांटना होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए गो के लिए आप देखिए सब इधर उधर करके कर रहा है कि कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर गो के लिए हम लोगों का कोड अगर इसमें ले रहे हैं तो गो के लिए कोड तो निकल जा रहा है कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जा हो जाएगा। उसी प्रकार से इन सभी का कोड लेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका, देखिए ऑप्शन को निकालना है, कैसे कैसे छांट छांट के निकालना होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आप हमारे चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।